यस हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू योर फिजिक्स लाइव सेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर सेकेंड लाइव सेशन ऑफ चैप्टर वन ऑफ योर फिजिक्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। So dear students, in previous live session we have discussed about the simply some physical quantities like that the volume. So where we discuss about the concept of the volume, then after which we discuss the measurement of volume of liquid, means how can we measure the volume of any liquid. So where we discuss simply some measuring devices through which we can easily measure the volume of a liquid. Now dear students, in today's live session we are going to discuss the measurement of volume of solid, means how can we measure the volume of any solids. सो डियर स्टूडेंट्स, इन टूडेज लाइव सेशन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिंपली किस तरह से हम सॉलिड्स की वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस सॉलिड शेप्स। सो बेसिकली अगर मैं सॉलिड शेप्स की बात करता हूँ तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉलिड शेप्स। फर्स्ट वन इज दोज विच हैव अ रेगुलर शेप्स, मीन्स रेगुलर शेप, एंड द सेकेंड वन इज irregular shape. So these are the two types of shapes that solids have. First one is regular and second one is irregular. So how can we measure both these type of solids, volume of both these type of solids? So dear students, for measuring the volume of regular shapes we have some formulas. So यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, कुछ formulas होंगे। जैसे simply मैं बात करता हूँ regular shape के लिए, so like that the cube, जैसे कि हमारा क्या होता है, cube होता है। So cube की अगर हम बात करते हैं तो ये एक regular shape होती है इसकी। Now how can we measure the वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? सो क्यूब की वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए हमारे पास बेसिकली पैरामीटर क्या होता है, यहाँ पे होती है उसकी साइड, एंड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट स्मॉल ए। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, क्यूब की बेसिकली हमारे पास साइड होती है। सो विद द हेल्प ऑफ द साइड वी कैन ईजिली मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। सो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए हमारे पास सिंपली फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के लिए, a इंटू ए इंटू ए, इट मीन्स साइड इंटू साइड इंटू साइड, और वी कैन सिंपली राइट दिस एज ए क्यूब। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो क्यूब्स की थ्री साइड्स होती हैं, सो उन सभी को आपस में हम बेसिकली उनकी क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो अगर आपको कभी भी कोई क्यूब गिवन हो एंड आपको उसकी क्या करनी हो, उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी हो, देन यू कैन सिंपली यूज दिस फॉर्मूला। सो डियर स्टूडेंट्स, गॉट द पॉइंट हेयर, आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया है अच्छे से? सो अगर आप सभी को क्लियर हो गया है देन प्लीज़ टाइप येस इन द लाइव चैट बॉक्स, एंड प्लीज़ ऑल्सो मैंशन योर नेम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ रेगुलर सॉलिड। सो अब हम दूसरे टाइप के यहाँ पे रेगुलर सॉलिड की बात करते हैं। सो लाइक दैट अगर हमारे पास क्या है, सिंपली हमारे पास है यहाँ पे सेकेंड टाइप इज ऑफ क्यूबॉइड। सो अगर हमारे पास सॉलिड कैसा है, हमारे पास सॉलिड है अगर क्यूबॉइड। नाउ क्यूबॉइड को हम सिंपली उसकी वॉल्यूम को क्या कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास पैरामीटर्स क्या होंगे बेसिकली। सो हमारे पास क्यूबॉइड की क्या होगी, लेंथ होगी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एल। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी उसकी, सिंपली हमारे पास ब्रेथ होगी, ब्रेथ विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल स्मॉल बी, एंड द नेक्स्ट वन इज़ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड।
which is represented by the small h, being the volume of a cuboid. Yes, okay beta. Now what's the volume here? So volume is simply length into breadth into height. So dear students, this is the formula for finding the volume of a cuboid. So with the help of this formula, we can easily find the volume of any cuboid. Now dear students, moving on to the third type of regular solid, here is the sphere. So sphere, the parameter that we use here for finding the volume of a sphere is the radius, and the radius is represented by small r. So now like that this is the sphere that we have, and this is the center of this sphere, and from the center to the surface, this is called the radius. ये यहाँ पे sphere की क्या हो जाएगी, simply हमारी radius हो जाएगी. Now, so simply अब हमारे पास यहाँ पे formula क्या होगा volume of sphere के लिए. So इसके लिए हमारे पास simply यहाँ पे formula हो जाएगा 4/3 πr³. So that's the formula here. Now where r is the radius, pi हमारा एक कॉन्स्टेंट होगा जिसकी वैल्यू 22/7 और 3.14 हम पुट करते हैं. So dear students, this is the formula for finding the volume of a sphere. So dear students, got the point here? आप सभी को समझ में आ गया है पॉइंट. Now moving on to the next type of regular solid. So here the next type of regular solid is the cylinder. So all of you know about the shape of a cylinder. Cylinder की आपको shape पता है क्या होगी. So like that कुछ इस तरह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक cylinder होता है. Now this will be the radius and this will be the height. ये हमारी height होती है, and ये simply यहाँ पे क्या use here to find the volume is the height, which is represented by the h, and the next one is the radius, which is represented by the small r. Now the volume, see, the volume will be pi r square h. So this will be the volume of a cylinder. So ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, cylinder की एक volume हो जाएगी. Now moving on to the next type of solid, regular solid. So regular solid is of कौन. सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास रेगुलर सोलिड क्या हो जाएगा, हमारा एक सिंपली कोन हो जाएगा. नाउ आप सभी को कोन के स्ट्रक्चर मालूम है, किस तरह से आपकी कोन की स्ट्रक्चर होती है. सो लाइक दैट, नाउ दिस विल बी दी हाइट, ये हमारी यहाँ पे हाइट हो जाएगी, एंड दिस विल बी दी रेडियस, ये हमारे पास यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा. नाउ द पैरामीटर दैट वी गोइंग टू यूज हेयर फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम इज द हाइट, हाइट ऑफ द कोन विच इज रिप्रेजेंटेड बाई small h and the radius here. Now what is the volume here, the formula? The formula will be 1/3 πr² h. So dear students, this will be the formula for finding the volume of a cone. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया है. सो किस तरह से आप रेगुलर शेप्स के सॉलिड की वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हो. सो देखिए, जो रेगुलर शेप के सॉलिड होंगे, हमें बेसिकली 5 टाइप की शेप्स वहाँ पे मिल सकती है देखने के लिए. फर्स्ट वन इज क्यूब, सेकेंड इज क्यूबॉइड, थर्ड इज स्पेयर, फोर्थ इज सिलेंडर, एंड द फिफ्थ वन इज कौन. सो दीज आर द 5 टाइप ऑफ शेप्स दैट आर एग्जिबिटेड बाई द रेगुलर शेप्स ऑफ सॉलिड्स. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गए हैं कंसेप्ट, देन प्लीज टाइप येस इन द लाइव चैट बॉक्स. देन आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. So okay dear students, now moving on to the second part, second type of solids, which are of irregular shapes. Now we will discuss here
the discus here measuring volume of irregular shapes. नाउ अब हम बात करते हैं किस तरह से हम उन सॉलिड्स की वॉल्यूम को मेज़र कर सकते हैं जिनकी जो शेप होती है हमारी वो क्या होती है, वो इरेगुलर होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एन एक्टिविटी है. सो हम यहाँ पे एक एक्टिविटी की हम बात करते हैं सिंपली. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन एक्टिविटी हेयर लाइक दैट वी हैव अ स्टोन. हमारे पास यहाँ पे एक स्टोन है. नाउ एज यू कैन सी हेयर, जो हमारे पास स्टोन है इसकी कैसी शेप है, दिस इज इरेगुलर शेप. सो अब हमें इसकी वॉल्यूम को फाइंड करना है. नाउ अब हम किस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं सिंपली. सो लेट्स टेक टू मेजरिंग जार. सो यहाँ पे हम दो मेजरिंग जार लेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट वन. नाउ इस फर्स्ट वन को सिंपली एक हमने मेजरिंग जार लिया यहाँ पे. नाउ इस मेजरिंग जार को हमने क्या किया, सिंपली इसको हमने वाटर से फिल किया. क्या किया हमने, इसको सिंपली वाटर से फिल किया. नाउ अभी इसके अंदर जो वाटर आया उसकी क्या थी, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम थी. सो लाइक दैट यहाँ पे क्या हुआ, इसकी जो वॉल्यूम थी वो हमने यहाँ पे नोट की, दिस इज़ दी V1 mL. सो दिस विल बी दी इनिशियल वॉल्यूम. ये यहाँ पे क्या हो गई है, इसकी इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर. सो ये हमारे पास यहाँ पे वाटर की इनिशियल वॉल्यूम है V1 mL. नाउ अब हमने क्या किया, सिंपली हमने इस स्टोन को सिंपली क्या किया, एक थ्रेड से टाई किया. थ्रेड से टाई करने के बाद हमने उसको क्या किया, उसको केयरफुली हमने जो स्टोन था उसको वाटर के अंदर क्या कर दिया, हमने सस्पेंड कर दिया. सो लाइक दैट इन द सेकंड केस, सो हमने यहाँ पे क्या किया, जो स्टोन था हमारे पास सिंपली उसको अच्छे से टाई करने के बाद हमने क्या किया, हमने इसको वाटर के अंदर सस्पेंड कर दिया. सो लाइक दैट. नाउ जैसे हमने स्टोन को सस्पेंड किया वाटर के अंदर, नाउ अब हमें यहाँ पे केयरफुली, बहुत ही केयरफुली वर्क करना है, बिकॉज हमें यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना है कि जो ये स्टोन है ये साइड्स को या फिर बॉटम को टच नहीं करना चाहिए. नाउ हमने इसको क्या किया, सिंपली यहाँ पे सस्पेंड कर दिया है फ्रीली. सो नाउ आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम नेक्स्ट इसकी वॉल्यूम को अगेन मेजर करेंगे. नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन स्टोन इज डिप्ड इन इट, देन इट्स वॉल्यूम विल बी V2 mL. देन वॉल्यूम में यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया. नाउ इट्स वॉल्यूम विल बी V2. नाउ अब हमारे पास वॉल्यूम आ गई है, फर्स्ट इनिशियल वॉल्यूम आ गई है हमारे पास वाटर की, एंड हमारे पास अब सेकंड वॉल्यूम आ गई है वाटर की, जब हमने स्टोन को उसके अंदर क्या किया हुआ है, डिप किया हुआ है. नाउ अब यहाँ पे वॉल्यूम में इंक्रीज क्यों हुआ, बिकॉज जो स्टोन की वॉल्यूम थी और जो वाटर की वॉल्यूम थी वो दोनों क्या हो गई, वो दोनों ऐड हो गई है. दैट्स वाई द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस. नाउ अब हम यहाँ पे स्टोन की वॉल्यूम को कैसे सिंपली फाइंड करेंगे यहाँ पे. सो वी सिंपली राइट हेयर द वॉल्यूम of the stone equals to volume of water, volume of water when volume of water with the stone minus the initial volume of water. Then what's the volume here? So this is the V2 mL and this is the V1 mL.
देन वी सिंपली सब्सट्रैक्ट बोथ दीज वॉल्यूम्स टुगेदर, देन वी सिंपली पे हमने जो लिक्विड था वाटर था उसकी वॉल्यूम को हमने वी ml ml में रिप्रेजेंट किया था. नाउ अब हमारे पास स्टोन है, देन हम उसकी वॉल्यूम को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, हम सेंटीमीटर क्यूब्स में रिप्रेजेंट करेंगे. देन इट्स वॉल्यूम विल बी वी टू माइनस वी वन सेंटीमीटर क्यूब. नाउ अब सेंटीमीटर क्यूब क्यों किया यहाँ पे मैंने, बिकॉज 1 ml इज इक्वल्स टू 1 cm³, बिकॉज 1 ml जो होता है वो 1 cm³ के इक्वल होता है. सो डियर स्टूडेंट्स गॉट द पॉइंट हियर, समझ में आ गया है यहाँ पे आप सभी को किस तरह से हम इरेगुलर शेप के सॉलिड्स की वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया है देन प्लीज टाइप येस इन द लाइव चैट बॉक्स, देन आफ्टर विच आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो डियर स्टूडेंट्स नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर. So the next topic here is the measurement of area. Measurement of area. So now let's discuss about the measurement of area. So first of all let's discuss about what is the area. How can we define the area? Area से हम simply क्या समझते हैं, क्या होता है area हमारा simply. So डियर स्टूडेंट्स एरिया इज अ मेजर ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट जो सरफेस बोलेंगे. नाउ What is the SI unit? SI unit means standard unit of area. Area को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है. सो दिस विल बी द स्क्वायर मीटर. सो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है यहाँ पे स्क्वायर मीटर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. नाउ अगर हमें सिंपली क्या करना हो, अगर हमें लार्ज एरियाज को सिंपली क्या करना हो, मेज़र करना हो. सो ये तो हमारी SI यूनिट है. मीन्स हम बेसिकली जनरल अगर हमें कोई एरिया मेज़र करना होगा देन हम सिंपली इस यूनिट को यूज़ करेंगे. बट अगर हमारे पास एरिया क्या है, एरिया हमारे पास लार्जर एरियाज है, लाइक दैट द एरिया ऑफ फील्ड्स डिस्ट्रिक्ट्स सिटीज एक्सेट्रा. अगर हमें इन सभी के एरियाज मेजर करने हो देन तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, देन तब हम वहाँ पे लार्जर यूनिट्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ग्रेटर यूनिट्स को. लाइक दैट वो यूनिट्स क्या क्या होंगी हमारी, लाइक दैट द एकड़ हेक्टेयर स्क्वायर किलोमीटर. सो डियर स्टूडेंट्स दीज आर दी लार्जर और ग्रेटर यूनिट्स. सो ये हमारे यहाँ पे क्या होती है, लार्जर या फिर ग्रेटर यूनिट्स होती हैं. नाउ अब हम बात करते हैं जो भी हमने ये यूनिट्स यहाँ पे डिस्कस की हैं, द यूनिट्स ऑफ एरिया, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है. सो लेट्स डिस्कस हेयर द रिलेशनशिप बिटवीन दीज यूनिट्स. नाउ इफ आई एम टेलिंग हेयर दैट 1 acre the area covered in 1 acre is equals to, ये किसके इक्वल होगा, सिंपली ये होगा 100 meter square. सो जितना एरिया 100 meter square में होगा, मीन्स 100 meter square के एरिया को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, 1 acre बोल सकते हैं. नाउ 1 hectare विल बी इक्वल्स टू 10,000 meter square. ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, 10,000 meter square के इक्वल हो जाएगा. एंड इफ आई एम टेलिंग हेयर दैट 1 kilometer square, 1 kilometer square में कितने मीटर स्क्वायर एरिया होगा, देन इट विल सिंपली बी 10 lakh meter square और इन हेक्टेयर्स इट विल बी 100 hectares. सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज दी
relationship between the various units of area. नाउ अब हम बात करते हैं स्मॉलर यूनिट्स की. सो अगर हमारे पास लार्जर एरिया में मेजर करना हो देन तब हम इन यूनिट्स को यूज़ करते हैं. बट अगर हमें क्या करना हो, स्मॉलर एरियाज मेज़र करना हो लाइक दैट, अगर हमें सिंपली मेज़र करना हो इरेजर, जैसे कि आपकी इरेजर होती है, पेंसिल्स होती है, देन आपकी जो बुक्स होती हैं, अगर हमें इनका एरिया मेज़र करना हो देन तब हम वहाँ पर कौन सी यूनिट्स को यूज़ करेंगे. सो फॉर स्मॉलर एरियाज we use smaller units like that of square centimeter, which is represented by centimeter square, and square millimeters, which is represented by millimeter स्क्वायर. एरिया ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट, जब कभी भी हमें स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के एरिया को मेजर करना हो देन तब हम इन यूनिट्स का वहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली यूज करते हैं. नाउ अब हम बात करते हैं इन यूनिट्स के रिलेशनशिप की, यानी कि कैसे ये यूनिट्स एक दूसरे से रिलेट करती है. सो लाइक दैट इफ आई एम राइटिंग हेयर 1 centimeter square, इट मीन्स 1 centimeter मल्टीप्लाइड बाय 1 centimeter. सो आई कैन सिंपली राइट दिस हेयर. नाउ अब अगर मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो देन ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट 1 meter इज इक्वल्स टू 100 centimeter. 1 meter में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं आपके, 100 centimeters होते हैं. देन वाट आई हैव टू डू हेयर इज दैट आई हैव टू सिंपली डिवाइड दिस बाय 100. सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज 1/100 meters multiplied by 1/100 meters, then it will be 0.0001 meter square. It means 1 centimeter square includes 0.001 centimeter square. So this will be the relation between 1 centimeter square and 1 meter square. Now let's discuss the relationship between millimeter square and meter square. So 1 millimeter square, so I can simply write this as 1 millimeter multiplied by 1 millimeter. And as all of you know that 1 centimeter includes 10 millimeters. 1 centimeter में कितने millimeters होंगे आपके, 10 millimeters होंगे. And 1 meter में simply आपके कितने centimeters होंगे, 100 centimeters होंगे. So I can simply divide all these by 1000. It means 1 meter is equals to 1000 millimeters. So I can simply write this as divided by 1000 meters multiplied 1/1000 meters. Now after dividing this I will get here 0.0001 meter square. It means 1 millimeter square will be equals to 0.00001 meter square. So dear students, this is the relation between millimeter square and meter square. So dear students, now let's discuss some formulas regarding the area of object. So कुछ यहाँ पे हम objects की बात करते हैं, कुछ regular shape के objects की बात करते हैं, then हम बात करते हैं उनका किस तरह से हम वहाँ पे formula से उनके area को find कर सकते हैं. तो जैसा अभी हमने volume के case में study किया, वहाँ पे हमने वॉल्यूम्स को डिस्कस किया था रेगुलर शेप्स के सॉलिड्स की एंड इरेगुलर शेप के सॉलिड्स की. सो बिल्कुल सेम अब यहाँ पे हम बात करते हैं एरिया की. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट इफ वी हैव स्क्वायर शेप, अगर हमारे पास कैसी शेप है, स्क्वायर. सो स्क्वायर इज अ रेगुलर शेप. सो व्हाट्स द पैरामीटर हेयर दैट वी यूज इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए. देन द एरिया विल बी, एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी द साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. इट मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाय ए, और आई कैन सिंपली राइट दिस एज. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड, दिस विल बी द रेक्टेंगल. सो अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल शेप की. देन द पैरामीटर दैट वी आर गोइंग टू यूज हेयर इज द लेंथ. सो लेंथ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, एंड द ब्रेथ
which is represented by B. Now what's the formula here? The formula will be length into now moving on to the third shape, this will be the circle. सो लाइक दैट, जैसा भी हमने प्रीवियस केस में वॉल्यूम के केस में स्टडी किया, सो वहाँ पे हमारे पास स्पेयर था. नाउ व्हाट इज स्पेयर? स्पेयर हमारा एक थ्री डायमेंशनल सिंपली सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है. एंड व्हाट इज सर्किल? सो सर्किल हमारा सिंपली एक टू डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है. नाउ यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या होगा? सो अगेन यहाँ पे भी हमारा क्राइटेरिया, फिर जो पैरामीटर होगा फाइंड करने के लिए एरिया, वो हमारा रेडियस होगा. एंड रेडियस में आपको ऑलरेडी प्रीवियस केस में भी मैंने बताया आपको व्हाट इज द रेडियस, रेडियस क्या होता है. नाउ द एरिया हेयर, एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा? एरिया हमारे पास सिंपली यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर विल बी द एरिया फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ सर्किल. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है किस तरह से हम रेगुलर शेप्स के सॉलिड्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं. नाउ लास्ट वन यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग है. नेक्स्ट इज द ट्राइंगल. सो ट्राइंगुलर शेप अभी हमारे पास यहाँ पे बची हुई है. नाउ इसके लिए यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर होता है हाइट, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एच, एंड द बेस, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द बी. एंड फॉर फॉर्मूला इट विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. सो दिस विल बी दी फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर शेप्ड सॉलिड. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट हियर. आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया है किस तरह से हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं एरिया को. सो अगर आप सभी को क्लियर हो गया है, देन प्लीज टाइप येस इन द लाइव चैट बॉक्स. देन आफ्टर विच आई विल डिस्कस हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ अ इरेगुलर शेप. सो ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू ऑन द इरेगुलर शेप्स. सो इरेगुलर शेप्स के लिए हमारे पास कोई भी एक फॉर्मूला नहीं होता है जिससे हम उनके क्या कर सके, एरिया को फाइंड कर सके. देन फॉर द इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट फॉर इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट we simply use graph paper. So हम यहाँ पर simply किसका use करते हैं? हम यहाँ पर simply graph paper को क्या करते हैं? graph paper को हम use करते हैं. Then with the help of the graph paper we simply find the area. Then तब हम simply वहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एक graph paper है. Now the graph paper जो हमारे पास है सिंपली यहाँ पे. Now अब उस graph paper पे हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी हमारा irregular shape का क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको हम सिंपली क्या करेंगे, उस पर पुट करेंगे. Now so पुट करने के बाद देन हम सिंपली वहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली उसकी एक बाउंड्री को, बाउंड्री लाइन को क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे. लाइक दैट अगर हमारे पास यहाँ पे सिंपली क्या है, एक लीफ है. सो लाइक दैट This is the leaf. So leaf की अगर हम बात करें तो simply ये कैसी होती है, irregular shape की होती है हमारे पास leaf. Now so हमने leaf को put किया and then हमने यहाँ पे इसकी क्या की, हमने यहाँ पे simply इसकी marking कर दी. Then after marking, marking करने के बाद so graph paper में क्या बने होते हैं, graph paper में boxes बने होते हैं. ग्राफ पेपर में क्या बने होते हैं, ग्राफ पेपर में सिंपली लाइक दैट यहाँ पे क्या बने होते हैं, बॉक्सेस बने होते हैं. नाउ अब आप सिंपली यहाँ पे क्या करना है आपको, नाउ आपको यहाँ पे सिंपली काउंट करना है, काउंट दी नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स इनसाइड दी बाउंड्री. यानी कि जो आपने बाउंड्री यहाँ पे ड्रॉ की है, इस बाउंड्री के अंदर कितने स्क्वायर्स कंप्लीटली यहाँ पे आ गए हैं. नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उन स्क्वायर्स को क्या करना है, काउंट करना है जो हाफ फील्ड हो पाए थे, यानी कि कंप्लीट फील्ड नहीं हो पाए थे.
एंड देन आफ्टर विच आप क्या करोगे सिंपली, देन आफ्टर विच वहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, क्या करोगे सिंपली, जो आपका कंप्लीट ग्राफ पेपर है उसका एरिया फाइंड करोगे, एंड देन आप सिंपली क्या करोगे, जो आपके बॉक्सेस कवर्ड हुए हैं इस शेप से उनका एरिया फाइंड करोगे, देन उन दोनों के एरियाज को आप सिंपली क्या कर दोगे वहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दोगे, देन आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग यू गोट दी एरिया, देन आपके पास सिंपली वहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली आपके पास एरिया आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली मेजर द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप। सो आपके यहाँ पे सिंपली एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन सिंपली वहाँ पे आ सकता है, हाउ कैन यू मेजर द एरिया ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट, एक इरेगुलर शेप्ड के ऑब्जेक्ट का एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, कैसे मेजर करोगे, देन यू हैव टू सिंपली राइट हेयर बाय यूजिंग द ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर को यूज करके। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है एरिया एंड द वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम का कंसेप्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लियर है कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे से, देन प्लीज टाइप यस इन द लाइव चैट बॉक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज होमवर्क फॉर यू, अब आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है। सो आपको सिंपली क्या करना है, आपके चैप्टर में पेज नंबर 15 पर, ऑन द पेज नंबर 15 पेज नंबर 15 यू हैव टू सॉल्व टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। सो देर आर टोटल 5 क्वेश्चन, 5 MCQs आपको गिवन है यहाँ पे कंसेप्ट पे, एंड आपको ये 5 MCQs सॉल्व करने हैं बाई योर सेल्फ, देन आफ्टर विच ऑन द नेक्स्ट सेशन मैं आपको लाइव सेशन में मैं आपको यहाँ पे इनके सॉल्यूशंस बताऊँगा। सो देन आपको फिर वहाँ पे मैच करने हैं, सो दिस इज़ योर होमवर्क। सो ये आपका यहाँ पे होमवर्क है, देन आफ्टर विच हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, सो नेक्स्ट लाइव सेशन में। ओके बेटा, इफ़ यू हैव सॉल्व दैट्स गुड, देन आफ्टर विच हम नेक्स्ट लाइव सेशन से स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज़ द डेंसिटी। सो डेंसिटी एंड स्पीड, ये दो हमारे यहाँ पे अभी टॉपिक्स बचे हुए हैं, सो इन दोनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर विच हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे वहाँ पे फोकस करेंगे। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आज के लाइव सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, एंड नेक्स्ट लाइव सेशन में हम अगेन मीट करेंगे एंड रिमेनिंग टॉपिक्स को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। So dear students, thanks for joining this live session.